नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आज मैं बात करूंगा कोर्ट की सुरक्षा को लेकर, जो कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। वो क्या ऐसे टॉपिक हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पे मिसिंग होने के कारण से जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा सुरक्षा व्यवस्था में, वो चीज़ें और आए दिन कोर्ट में फायरिंग और यहाँ तक एडवोकेट को गोली मार दी जाती है, जो गवाह होते हैं उनको गोली मार दी जाती है। तो अगर इन सबसे बचना है तो क्या वो सारी चीज़ें हैं, इन सब के हम आज खुल के बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, चाहे वो दिल्ली कोर्ट्स हो या लखनऊ या अदर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर जगह बमबारी और यहाँ तो कहीं जगह तो बम भी फोड़े जाते हैं। ये चीज़ें एक आम बात हो गई है। तो इनसे निपटने के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे अगर निपटने की बात करें तो इसके बहुत सारे चीज़ें हैं जो वहाँ पर मिस हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी लापरवाही हो रही है। अब जैसे हम अभी कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 2 महीना पहले की बात है, द्वारका कोर्ट में एक एडवोकेट्स को गोली मारकर शूट कर दिया गया था। दूसरा अगर हम टॉपिक लेते हैं तो वो है जैसे साकेत कोर्ट में एक व्यक्ति क्या नाम है, एक महिला को कोर्ट के अंदर गोली मार देता है। ये भी तकरीबन आसपास के एक महीना के अंदर, मतलब ये आसपास में ये घटनाएं दोनों घटित हुई हैं। इसके बाद में रोहिणी कोर्ट हो गया, रोहिणी कोर्ट में कोर्ट चलती हुई के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा आपका बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं, पंजाब कोर्ट है, लुधियाना में ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटे। ये क्यों घटती हैं घटनाएं, ये ऐसा क्यों होता, हम क्यों ना उस पॉइंट पर फोकस करें जहां से ये इसकी शुरुआत होती है, तो शायद ये घटना न घटी तो लोगों की जान ना जाए, गवाह की जान चली जाती है, विटनेस की जान, यहाँ पे जो आरोपी होते उसकी जान चली जाती है, एडवोकेट जो जिस केस से रिलेटेड होता है, जुड़ा होता है, जो उस केस की हेयरिंग में जुड़ा होता है, उसके साथ ऐसा घटना हो जाता है। अब ले लेते हैं क्या नाम है, लखनऊ हाई कोर्ट का मामला ले लेते हैं। अभी जल्द में बुधवार को तो हड़ताल शुरू हुआ, उससे पहले की बात है, क्योंकि जो उसमें क्या होता है, एडवोकेट की ड्रेस में जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, हथियार लेके चले जाते हैं। और जब जांच करने पे पता चला कि वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर मशीन है वो ख़राब काफ़ी समय से चल रही है। तो अब चूँकि प्रॉब्लम ये आती है कि ये चीज़ें तो आम बात हो गई है, तो इसके लिए अब चूँकि इसका हड़ताल करना तो इसका सलूशन नहीं है। देखिए, हमारे देश में होता क्या है, जनरली लोग किसी चीज़ को मनवाने के लिए, किसी चीज़ को लागू करने के लिए सीधा हड़ताल पे चले जाते। देखिए, हड़ताल इस समस्या का समाधान नहीं है। रही बात सुरक्षा में चूक हो रहा है, तो सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा डिपार्टमेंट में लगे हुए लोग हैं उन पर फोकस किया जाए, उन लोगों को एक्टिव किया जाए और उनमें जहाँ से चूक हो रही है उस पॉइंट पर फोकस किया जाए। जैसे मेटल डिटेक्टर जो ख़राब होता है उस पर उसको सही करवाया जाए, उस पर समय समय पर उसकी जांच करवाई जाए, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं उसकी जांच करते रहें। दूसरी बात ये होती है जो सुरक्षा में, जैसे कि वकीलों का जो आरोप था कि जैसे जब ये घटना घटित होती है तो उसके कुछ दिन तक तो सही रहता है, उसके बाद फिर ढीले ढीला हो जाता है, तो ये गलत है। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें तो ये घटनाएँ कभी नहीं होंगी। इसके बाद में और भी कौन जैसे, तो अब इसमें चूँकि जो लखनऊ में मामला हुआ, इस पर जो लखनऊ बार एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और सब हड़ताल पे चले गए, हड़ताल समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, कोर्ट में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे वकीलों ने कहा कि देखिए कोर्ट में जो वकील ही सुरक्षित नहीं है तो और आम पब्लिक कहाँ से सुरक्षित रहेगी। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने के लिए, अगर इसमें सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो ये अगर इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा तो सही हो सकता है। दूसरी बात यह, आईडी देखकर ही, जैसे कि लोग का कहना था कि आईडी चेक किया जाए, जी हाँ, ये कुछ दिनों तक आईडी चेक किया जाता है, उसके बाद में नहीं चेक किया जाता, तो यहाँ पे भी ज़रूरत है कि आईडी चेक करके ही अंदर उनको लिया जाए। अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाती है तो आगे दिक्कत नहीं आएगा, आईडी चेक करके लिया जाए, बाकायदा एक एंट्री प्रोसेस बनाया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट में एंट्री प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे चेक होते हैं, वैसे बनाया जाए तो ये घटनाएँ कभी नहीं होंगी। तो इनको रोकने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। जय हिंद।